हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 17वें अध्याय से आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। कल तक हमने देखा किस प्रकार से भगवान विष्णु जो हैं वो जय और विजय से कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो मैं आपको मिले हुए इस श्राप का परिचालन कर सकता हूं, लेकिन मैं यह करूंगा नहीं क्योंकि इस श्राप के पीछे मेरा अनुमोदन है। आई हैव माई ब्लेसिंग्स आफ्टर दिस कर्स, क्योंकि भगवान की इच्छा थी स्वयं कि वो क्या करें, थोड़ा सा वीर्य रस का आस्वादन करें। तो ऐसा होने के बाद जब भगवान चले गए तो जय और विजय उनके शरीर से उनके पूरा तेज निकल गया और दिति के गर्भ में वो प्रवेश करते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे देखो यही दो महान भक्त हैं जो अभी दिति के गर्भ में आए हुए हैं, तो उनको कुछ करना, उनके प्रताप को रोकना, ये आपके भी और मेरे भी, हम दोनों के आपे से ऊपर की बात है। वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। सो वी हैव द सेकेंड पार्ट टू ऑफ द थर्ड कैंटो स्टार्टिंग 17th चैप्टर, विक्ट्री ऑफ हिरण्याक्ष ओवर ऑल द डायरेक्शंस ऑफ द यूनिवर्स। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म और उसके बाद में हिरण्याक्ष ने क्या क्या किया सभी जगहों पर, सभी विश्व पर किस प्रकार से उन्होंने विजय प्राप्त की। मैत्रेय उवाच निशम्यात्म भुवा गीतम कारणं शंकयोज्झिताः ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः। श्री मैत्रेय सेड, द डेमिगॉड्स, द इनहैबिटेंट्स ऑफ द हायर प्लैनेट्स वेर फ्रीड फ्रॉम ऑल फियर अपॉन हियरिंग द कॉज ऑफ द डार्कनेस एक्सप्लेन्ड बाय ब्रह्मा हु वाज बॉर्न फ्रॉम विष्णु। दस दे ऑल रिटर्न टू देयर रेस्पेक्टिव प्लैनेट्स। तो जब देवताओं को पता चला कि ये भगवान की इच्छा है, हम यहां कुछ नहीं कर सकते, तब देवताओं के मन से घबराहट चली गई और वापस वो अपने अपने लोकों में चले गए। सो हम देखते हैं, जब हमें पता नहीं होता आगे क्या होगा तब घबराहट होती है, जब हमें पता है आगे क्या होगा तो घबराहट नहीं होती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जब एक व्यक्ति मृत्यु के सामने जाता है। जब एक व्यक्ति मृत्यु के सामने जाता है, एक साधारण व्यक्ति को पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मृत्योर हरवश सर्वहरश्चाहम, मैं मृत्यु हूं और सभी से सब कुछ हरण कर लेता हूं। जितना उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अर्जन किया है सब कुछ एक साथ खटा खत्म, सोचिए। तो इसीलिए एक व्यक्ति जो पूर्व जन्म, परो जन्म, भक्ति और जीवन की वास्तविकता को नहीं जानता, वन हु डज नॉट बिलीव इन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, हैज अ मेजर प्रॉब्लम इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। जो सोचता है कि अभी आज कैसे हैं, दिस इज बीस्टली कॉन्शियसनेस, ये जानवर स्वभाव है। वो सोचता है, जानवर ये नहीं सोचता अरे आगे क्या होगा, जानवर देखता है अभी क्या चल रहा है। उसी प्रकार से जब हम भी अपने जीवन को, एक जीव अपने जीवन को केवल इस जन्म के आजू बाजू इर्द गिर्द बंधा हुआ पाता है, तो वो सोचता है ये क्या चल रहा है। सो देयर इज नो कंटिन्यूटी। सो इफ समबडी इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ रिवर्सल्स इन लाइफ, he forgets that it is because of his previous karma that these reversals are coming now. If somebody is very happy, he forgets that, oh, it is the pious credits being exhausted, only a matter of time that good amount of calamity is going to come. To jeevan mein continuity janna, usko pehchanna, ye jeevan bahut dukhtar gaya hai mrityu aur uske baad। हमने कल देखा
कि भगवान के लिए तुरंत का डेफिनेशन क्या है। तुरंत का डेफिनेशन भगवान के लिए तीन युग हैं, तुरंत वापस आ जाएंगे। सो वी ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड एंड बिलीव इन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। जीवन केवल ये हम जो एक दूसरे को देख रहे हैं 40, 50, 70 साल के लिए, वही जीवन नहीं है। जीवन इसके बहुत आगे है और जीवन इसके बहुत पीछे था भी। सो फियर भयम द्वितीय अभिनिवेश स्यात्। एज सून एज अ पर्सन थिंक्स हिमसेल्फ टू बी एनीवन एल्स दैन सोल, इमीजिएटली देयर इज फियर। जैसे ही एक जीव अपने आप को भगवान के दास या आत्मा छोड़ करके और कुछ भी मानने लगता है, तुरंत भय उसे पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि हमारा अस्तित्व जब हम शारीरिक रूप से देखते हैं तो शरीर तो धीरे धीरे बूढ़ा होगा, शरीर धीरे धीरे शक्ति रहित तो होगा, धीरे धीरे एक समय में मर जाएगा, तो बाप रे आगे क्या होगा। एक भक्त के लिए, हाँ ठीक है, जो सभी के साथ हुआ है वही हमारे साथ होगा, और क्या नया होगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे नत्वम शोचितुम अर्हसि। अरे इसमें बुरा सोचने वाली क्या बात है, कपड़ा नया लाए हो तो एक दिन फटना है ही, एक दिन उसे पोछा बनना है ही। उसी प्रकार शरीर एक दिन नया मिला था, एक दिन जवान था, अब प्रौढ़ावस्था में है, एक दिन बिज जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, इतना ही है। सो इसीलिए हम देखते हैं प्यारे तेरे बोल। ये बोल क्या है? ये बोल है भगवान नाम का कीर्तन, भगवान नाम का प्रवचन। तो हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हरिदास ठाकुर जी की समाधि पे कि दे रीजन इल हु थिंक दैट वैष्णवस डाई, फॉर द वैष्णवस ऑलवेज लिव इन साउंड एंड वाइल लिविंग स्प्रेड द होली नेम अराउंड। तो भगवान के भक्तों का एक ही कार्य है, क्या है? हरिनाम प्रचार, हरिनाम प्रचार, हरि कथा का प्रचार, बस। तब वो नहीं रहेंगे लेकिन उन्होंने किया हुआ प्रचार रहेगा। जैसे एक स्त्री और पुरुष चले जाते हैं लेकिन उनके बेटे रहते हैं। सो बेटे कौन है? इन वन सेंस माँ और पिताजी के अंश ही है। सो माँ पिताजी चले जाएंगे, उनका अंश रहेगा। उसी प्रकार से वैष्णव चले जाएंगे लेकिन उनकी वाणी रहेगी। इसीलिए वाणी से क्या करना चाहिए? वाणी से केवल दो कार्य करने चाहिए, भगवत प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 2। दितिस्तु भर्तुरा देशाद् अपत्य परिशांकिनी पूर्णे वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ। द वर्चुअस लेडी दिति हैड बीन वेरी अप्रिहेंसिव ऑफ ट्रबल टू द गॉड्स फ्रॉम द चिल्ड्रन हर वूम एंड हर हस्बैंड प्रिडिक्टेड द सेम। शी ब्रॉट फोर्थ ट्विन सन्स आफ्टर अ फुल 100 ईयर्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो दिति बहुत शोकाकुल थी कि अरे मेरे गलती के कारण संपूर्ण जगत को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दिति ने अपने, हमने देखा था, दिति ने अपने गर्भ को 100 वर्षों तक धारण किया और 100 वर्षों तक गर्भ धारण करने के बाद दिति ने एक जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। शी गेव बर्थ टू ट्विन्स। क्या हुआ जब उनका जन्म हुआ? उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहा। ऑन द बर्थ ऑफ द टू डीमंस देर वर मेनी नेचुरल डिस्टर्बेंसेस ऑल वेरी फियरफुल एंड वंडरफुल इन द हेवनली प्लैनेट्स द अर्थली प्लैनेट्स एंड इन बिटवीन देम। तो स्वर्ग, नरक और मर्त्य, इन तीनों लोकों में
अत्यंत भयावह परिस्थिति उत्पन्न हुई जब इन दो जुड़वा बालकों का जन्म हो रहा था। क्या था? सहचला भुवश्चेलुर दिशः सर्वः प्रजज्वलुः सोलकाश्चाशनयः पेतुः केतवश्चार्ति हेतवः। There were earthquakes along the mountains on the earth and it appeared that there was fire everywhere. Many inauspicious planets like Saturn appeared along with comets, meteors and thunderbolts. तो क्या क्या हुआ? पूरी पृथ्वी हिलने लगी जिसके कारण बड़े बड़े पहाड़ हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हर जगह पे केवल अग्नि ही प्रज्वलित हो रही है, शनि के समान अपशकुनी ग्रहों का आविर्भाव हुआ, उल्कापात हो रहा था। हम देखते हैं क्या क्या हुआ। इट इज़ नॉट ईजी। हम देखते हैं कलयुग में भी राक्षस जन्म लेते हैं, लेकिन कलयुग में राक्षस जन्म लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। श्लोक क्रमांक 5। ववौ वायुः सुदुर्स्पर्शः फुत्कारानिरयन्मुहुः उन्मूलयन्नगपतीन्वा त्यानीको रजोध्वजः। देयर ब्लू विंड्स विच वेर मोस्ट अनइनवाइटिंग टू द टच, hissing again and uprooting gigantic trees. They had storms for their armies and clouds of dust for their ensigns. क्या क्या हो रहा था? बहुत जोर से आंधियां बहने लगी, फुत्कारते हुए बहुत जोर से हवा चलने लगी, बड़े बड़े पेड़ समूल नष्ट हो गए, हर जगह पे केवल धूल का साम्राज्य था। श्लोक क्रमांक 6। उद्धसत्तडिदम्भूद घटयानष्ट भागणे व्योम्नि प्रविष्ट तमसा नस्म व्यादृश्यते पदम्। द ल्यूमिनरीज इन द हेवन्स वेर स्क्रीन्ड बाय मासेस ऑफ क्लाउड्स इन विच लाइटनिंग समटाइम्स फ्लैश्ड एज दो लाफिंग। डार्कनेस रीन्ड एवरीवेयर एंड नथिंग कुड बी सीन। तो ऐसे भरे पूरे आकाश में हर जगह बिजली कड़क रही थी, पूरे आकाश में बादल छाए हुए थे, हर जगह केवल अंधेरा कायम रहे, अंधेरे का ही साम्राज्य था। श्लोक क्रमांक 7। चुक्रोश विमना वर्धमीर उदुर्मीक्षुभितोदर सोदपानाश्च सरितश चक्षुभू शुष्क पंकजाः। द ओशन विद इट्स हाई वेव्स वेल्ड अलाउड एज इफ स्ट्रिकन विद सॉरो एंड देयर वाज अ कमोशन अमंग क्रिएचर्स इनहैबिटिंग द ओशन। द रिवर्स एंड लेक्स वर आल्सो एजिटेटेड एंड लोटसेस विदर्ड। बड़ी बड़ी तूफानी हवाएं चल रही थी तो तूफानी हवाओं के कारण हर जगह पे ऐसा लग रहा था जैसे पानी में से भयावह लहरें आ रही हैं। और समुद्र के अंदर जितने जीव हैं उनके अंदर भयंकर क्रंदन चल रहा था। मुहु परिधयो भुवन सराहवो शशि सूर्ययो निर्धातारथ निर्हादा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे। मिस्टी हैलोज अपियर्ड अराउंड द सन एंड मून ड्यूरिंग सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्सिस अगेन एंड अगेन। Claps of thunder were heard even without clouds, and sounds like those of rattling chariots emerged from mountain caves. Oh, चंद्र और सूर्य दोनों के बाजू में ऐसे जैसे वलय आ जाता है जब ग्रहण लगता है। आपने देखा होगा ग्रहण लगता है तो चंद्र सूर्य नहीं दिखते, केवल उनके बाहरी वलय दिखते हैं। वैसे ही चंद्र सूर्य पूरे बादलों में गर्त हो गए थे, केवल वलय दिख रहा था, प्रकाश ही नहीं था, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था, हर जगह बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। यस। अंतर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो
वह निमुलबणम शृगालोलुकटंकारैः प्रणे दुरशिवं शिवाः. इन द इंटीरियर ऑफ विलेजेस शी जैकल्स येल्ड प्रोटेंशियसली वॉमिटिंग स्ट्रॉन्ग फायर फ्रॉम देयर माउथ्स and jackals and owls also join them with their cries. तो सियार और लोमड़ियाँ बहुत जोर से उलू आलाप कर रही थी और owls, उसे क्या कहते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं, तो owls भी उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ जोड़ रहे थे. श्लोक क्रमांक 10. संगीत वद्रो दनव दन्नुमय्य शिरोधराम व्यमुंचन विविधा वाचो ग्राम सिंहस्ततस्ततः. राइजिंग देयर नेक्स डॉग्स क्राइड हियर एंड देयर नाउ इन द मैनर ऑफ सिंगिंग एंड नाउ इन वेलिंग. तो हर जगह पे कुत्ते अपने गर्दन को ऊंचा करके कराह रहे थे. खराश्चकर्कशैः क्षतः खुरैर्दन्तोधरातलं खार्कारम्रभसामत्ताः पर्यधावन्वरूथशः. ओ विदुरा, द एसेस रन हाइदर एंड दाइदर इन हर्ड्स स्ट्राइकिंग द अर्थ विद देयर हार्ड हूव्स एंड वाइल्डली ब्रेइंग. हर जगह पे गधे दौड़ रहे हैं जोर जोर से. श्री प्रभुपाद जी कहते हैं सुंदर परपट, दो लाइन का परपट. एसेस ऑल्सो फील वेरी ब्लेस्ड एंड रिस्पेक्टेड एज अ रेस एंड वेन दे रन इन फ्लॉक्स हाइदर एंड डाइदर इन सो कॉल्ड जॉलिटी इट इज अंडरस्टूड टू बी अ बैड साइन फॉर ह्यूमन सोसाइटी. गधों को भी लगता है कि हम बहुत रिस्पेक्टेबल जीव हैं और इसीलिए वो कभी कभी बहुत खुशी में इधर उधर दौड़ने लगते हैं, लेकिन जब वो दौड़ते हैं लोग जानते हैं कि अरे ये तो बड़ा अपशकुनी काम है. उसी प्रकार से जब तक एक जीव भगवत भक्ति में पूरी तरह से संलग्न नहीं होता वो जहाँ कहीं भी दौड़े उसको लगता है मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन वो उत्पात है, वही कल्पना, इसका कोई उपयोग ही नहीं है. श्लोक क्रमांक 12. रुदंतो रास भस्त्रस्ता नीडा दुदपतं खगाः घोषेरण्ये च पशवः शक्रुन्मूत्र मकुर्वत. फ्राइटेंड बाय द ब्रेइंग ऑफ एसेस बर्ड्स फ्ल्यू श्रीकिंग फ्रॉम देयर नेस्ट्स व्हाइल कैटल इन द काउशेड्स एज वेल एज इन द वुड्स पास डंग एंड यूरिन. तो गधों की इस चिलबिलाहट से पक्षी जाग करके हर जगह उड़ने लगे, इतस्तत घूमने लगे और जो गाय भैंस इत्यादि थे वो अपने अपने अस्तबल में या जंगलों में जहां कहीं भी हैं वो मलमूत्र विसर्जन कर रहे थे. गावोत्र सन्न सद्रुग हास्तो यदा पूयवर्षिणः व्यरुन्दन्देव लिंगानि द्रुमा पेतुरनिनालिनम. गाउज टेरिफाइड यील्डेड ब्लड इन प्लेसेस ऑफ मिल्क क्लाउड्स रेन्ड पस द इमेजेस ऑफ गॉड्स इन द टेम्पल्स शेड ट्रीयर्स and trees fell down without a blast of wind. तो हर जगह गायें बहुत ही ज़्यादा सहमी हुई, डरी हुई, अपने स्तन से दूध की जगह पर रक्त स्राव कर रही हैं. बादलों से पस गिर रहा है. इतना ही नहीं, मंदिरों में भगवान के विग्रह रो रहे हैं, आँखों में से उनके पानी बह रहा है. बिना हवा चले हुए बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं. क्या क्या हो रहा है देखिए. ग्रहाण पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि दीपिताः अतिचेर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम्. ओमिनस प्लैनेट्स सच एज मार्स एंड सैटर्न शोन ब्राइटर and surpassed the auspicious ones such as Mercury, Jupiter, Venus, as well as a number of lunar mansions. Taking seemingly retrograde courses, the planets came in conflict with one another. तो जो अपशकुनी ग्रह हैं, जैसे मंगल है, शनि है, वो
शकुनी ग्रहों से, अच्छे ग्रहों से। तो बुध, गुरु, शुक्र, ये सब अच्छे या शुभ ग्रह माने जाते हैं। शनि, मंगल, राहु, केतु, ये सब अशुभ ग्रह माने जाते हैं। श्लोक क्रमांक 15। दृष्ट्वान्याश्च महोत्पातान् तत्वतद्विदः प्रजाः ब्रह्मपुत्रानृते भीता मेनिरे विश्वसंप्लवम्। Marking these and many other omens of evil times, everyone but for the four sage sons of Brahma, who were aware of the fall of Jayant Vijay and of their birth as Diti's sons, were seized with fear. They did not know the secrets of these potents and thought that the dissolution of the universe was at hand. तो जब इस प्रकार से भयंकर परिस्थितियां आ गई तो हम देखते हैं ब्रह्मा जी और चतुष्कुमार, जिन्हें पता है क्या हुआ है, इन दोनों को छोड़कर के बाकी सब भयभीत हैं। बाकी सब क्यों भयभीत हैं? बाकी सब भयभीत हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है कि क्या हुआ है। तो हम देखते हैं कि जब जीव ज्ञान के मार्ग से भटक कर जाता है तब उसके जीवन में भय प्रवेश करता है। As long as one is on the knowledge platform, as long as one is on the intellectual platform, there is no fear. As long as one comes on mental and sensual platform, then there is fear everywhere. तो हम देखते हैं कि जीवन में to really cross over the mental and sensual platforms is so very important, wherein we see not the way material nature wants us to see, but we see pashyanti gyan chakshushah. Gyan chakshu se jab jeev dekhta hai samsar ko, exactly like chhota bachcha jab katputli ka khel dekhta hai to wo keval katputliyon ko hilte dulte aur kamar matkate hue dekhta hai, lekin jo gyan chakshu se dekhta hai वो बिना देखे भी समझ जाता है। जैसे वो छोटे बच्चे को नहीं पीछे से पता कौन हिला रहा है, वो देख नहीं सकता बच्चा, उसी प्रकार से बड़ा व्यक्ति भी देख कुछ नहीं सकता लेकिन उसके पास ज्ञान है कि हाँ पीछे ये मैकेनिज्म चल रहा है। उसी प्रकार से एक जीव पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, वो जानता है प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। सो एक बच्चा भी कठपुतली के खेल के पीछे के चलाने वाले को नहीं देख सकता, बड़ा भी नहीं देख सकता, देख कोई नहीं सकते, लेकिन बड़े को ज्ञान है कि वो हिल कैसे रही है, बच्चे को ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कौतूहल मानता है। उसी प्रकार एक जीव जब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, एट द ब्रह्मभूत स्टेज ही माइट नॉट सी व्हाट इज हैपनिंग बट ही नोज व्हाट इज हैपनिंग। On the intellectual plane, a devotee knows what is happening. On sensual and mental plane, we see only puppets dancing. And with the Shloka Kramank 16. Tamadityaityo sahasa व्यज्यमानात्म पौरुषौ व्यवृधाते श्मसारेण काये नाद्रिपति इव। दीज टू डीमंस हु अपीयर्ड इन एंशियंट टाइम्स सून बिगैन टू एग्जिबिट अनकॉमन बॉडीली फीचर्स। दे हैड स्टील लाइक फ्रेम्स विच बिगैन टू ग्रो जस्ट लाइक टू ग्रेट माउंटेन्स। तो जैसे ही इन दो बच्चों का जन्म हुआ, बहुत तुरंत ही उनके शरीर बहुत जल्दी बढ़ने लगे और शरीर ऐसे बढ़े जैसे मानो अरे कोई क्या बोलते हैं एमएस स्टील से बना हुआ, आजकल वो टीएमटी सरिया की ये नहीं आती लंबे सरिया, तो वैसे ही ऐसे लगा जैसे सरिये से बना हुआ शरीर हो, कुछ होता ही नहीं है उसको।
और ये शरीर बढ़ा भी बहुत तुरंत तुरंत, इट डिडंट वेट, केप्ट ऑन ग्रोइंग। श्लोक क्रमांक 17, दिविस्पृशो हेम कीरीट कोटि भी निरुद्ध काष्ठौ स्फुर दंग दाबुजौ गाम कंपयन्तौ चरणै पदे पदे कट्या सुकाच्यार्कमतित्य तत्स्थतुः। Their bodies became so tall that they seemed to kiss the sky with the crests of their golden crowns. They blocked the view of all directions and while walking shook the earth at every step. Their arms were adorned with brilliant bracelets and they stood as if covering the sun with their waists, which were bound with excellent and beautiful girdles. Itne bade ho gaye wo, जैसे उनका पूरा शरीर आसमान को छू रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे दशो दिशाओं को वो अपने आकार से छोटा कर रहे हैं। इतने बड़े थे कि सूर्य भी उनके तेज के पीछे, उनके शरीर के पीछे छुप जाता, इतने बड़े थे वो। श्लोक क्रमांक 18, प्रजापतिर्नाम तयोरकांक्षित यः प्राक् स्वदेहाद्यमयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षमसूतसाग्रतः। कश्यप प्रजापति, द क्रिएटर ऑफ द लिविंग एंटिटीज, गेव हिज ट्विन सन्स देयर नेम्स। द वन हु वाज बॉर्न फर्स्ट ही नेम्ड हिरण्याक्ष एंड द वन हु वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाई दिति ही वॉज नेम्ड हिरण्यकशिपु। तो जब जुड़वा बच्चे आते हैं तो जो पहले गर्भधारण करता है वो दूसरा बाहर आता है, जो दूसरा गर्भधारण करता है वो पहले बाहर आता है। तो नलिका ऐसे अंदर जाती है, सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो प्रिंसिपल। जो दूसरा गर्भधारण किया वो पहले बाहर आया। यस, सो One who was born first, yani conceived second, was named Hiranyaksha. And one who was conceived first and born second was Hiranyakashipu. Shlokramang 19, Chakre Hiranyakashipur Durbhyam Brahmavarenacha Vashe Sapan Lokanstrin कुतो मृत्युर रुद्ध्यतः। द एल्डर चाइल्ड हिरण्यकशिपु वॉज अनअफ्रेड ऑफ डेथ फ्रॉम एनी वन विद इन द थ्री वर्ल्ड्स बिकॉज ही रिसीव्ड अ बेनेडिक्शन फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा। ही वॉज प्राउड एंड पफ्ड अप ड्यू टू हिज बेनेडिक्शन एंड वॉज एबल टू ब्रिंग ऑल द थ्री प्लैनेटरी सिस्टम्स अंडर हिज कंट्रोल। तो हिरण्यकशिपु वॉज अनअफ्रेड ऑफ डेथ, तो राक्षसी स्वभाव है ये कि अरे जो होगा। अब ये निडरता कैसे आती है? ये निडरता इग्नोरेंस से आती है। सो देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट। ये जो निर्भयता है ये कहाँ से आ रही है? ये शुद्ध तम से आ रही है। जैसे बंदा पूरा नशे में धुत कीचड़ के अंदर पड़ा हुआ है, उसको किसी चीज की सुध-बुध है क्या? नहीं, वो आराम से लेटा हुआ है। एक सभ्य व्यक्ति बोलेगा ये छी, लेकिन उसे कुछ नहीं पता। अब क्या हम उसे महाभागवत कहेंगे, देखो कीचड़ में लेटा हुआ है? नहीं, वो महाभागवत नहीं है। द सिम्टम ऑफ दैट लाइंग डाउन इज बिकॉज ही हैज लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ एंड दैट इज बिकॉज ऑफ तमा। सो दिस, ये जो निडरता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की, it is not a great characteristic, it is characteristic because of ignorance. इतने शक्तिशाली थे, क्यों निडर थे? इतने शक्तिशाली थे, तीनों लोकों के ऊपर विजय और प्रभुत्व उन्होंने प्राप्त कर लिया था। श्लोक क्रमांक 20,
हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्वहं गदापाणिर्दिवं यातु युयुत्सुर्मृगयन्द्रणम्। His younger brother Hiranyaksha was always ready to satisfy his elder brother by his activities. Hiranyaksha took a club on his shoulder and travelled all over the universe with a fighting spirit just to satisfy Hiranyakashipu. हम देखते हैं हिरण्यकशिपु को आनंद देने के लिए हिरण्याक्ष हर जगह घूम करके संपूर्ण तीन लोकों पर विजय प्राप्त किए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, द डेमोनियक स्पिरिट इज टू ट्रेन ऑल फैमिली मेंबर्स टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेस ऑफ दिस मटेरियल यूनिवर्स फॉर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, वेयर एज द गॉडली स्पिरिट इज टू एंगेज एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो जीव जो भौतिक प्रकृति का उपभोग करने पर उतारू है वो क्या चाहता है, हर जगह से मुझे क्या मिलेगा, उपभोग चाहता है। जो भगवान का भक्त है वो क्या चाहता है, जो भगवान का भक्त है वो भगवान की सेवा चाहता है। ये दोनों में, दोनों चाहते हैं, दोनों ही कुछ ना कुछ चाहते हैं, लेकिन उस चाहने में बहुत अंतर है। एक अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए और दूसरा भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो इसलिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में दूसरे अध्याय में कहा गया है कि कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवे तयावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। तो कामस्य इच्छाओं की पूर्ति किसके लिए, न इंद्रिय प्रीति लाभ, इच्छाओं की पूर्ति भोग लेने के लिए नहीं होनी चाहिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा या जीवे तयावता, जब तक जिए एक ही काम, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव जब तक जिए उसके जीवन का एक ही कर्तव्य होना चाहिए, तत्व जिज्ञासा। न अर्थो यश्चेह इह कर्म भी, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ अर्थविहीन है। न अर्थ यश्च इह कर्म भी, आप कुछ भी कर लीजिए अगर तत्व जिज्ञासा की ओर नहीं जा रहे। न अर्थ यश्च इह कर्म, कुछ भी कर लो वो कुछ उसका उपयोग नहीं है। श्लोक क्रमांक 21, तम वीक्ष्य दुसहजवम रणत कांचन नूपुरम वैजयंत्यास्त्रजाजुष्टं सन्यस्त महागदं। हिरण्याक्ष's temper was difficult to control. He had anklets of gold tinkling about his feet. He was adorned with a gigantic garland and he rested his huge mace on one of his shoulders. हिरण्याक्ष खास करके very angry. Yes. हम देखते हैं भगवान भगवद गीता में बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगः ते उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृतिर्भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सो ध्यायतो, साइकिल शुरुआत कहाँ से होती है, ध्यायतो विषयान पुंसः, जब भी कोई जीव या व्यक्ति इंद्रिय भोग के विषय वस्तुओं पर अपने दिमाग को चलाने लगता है, उसका मन वहां पे घूमने लगता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, इमीजिएटली ही डेवलप्स अटैचमेंट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते काम, जब संग की इच्छा होती है वहां से काम वासना बढ़ती है, जब काम अपूरा होता है कामात क्रोधो भी जायते, क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोधात भवति सम्मोह, जब क्रोध आता है तो व्यक्ति सही गलत भूल चूक भूत भविष्य सब भूल जाता है, स्मृतिर्भ्रंशात बुद्धिनाशो, जब व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है तो उसका बुद्धि विनाश हो जाता है,
और जब बुद्धि विनाश हो जाता है प्रणश्यति ही फॉल्स डाउन. फ्रॉम वेयर हैज एवरीथिंग स्टार्टेड ध्यायतो विषयान पुंसः. जब हम क्या करने लगते हैं, हम विषय वस्तुओं के ऊपर अपने मन को केंद्रित करने लगते हैं, इमीडिएटली द माइंड गोज अस्ट्रे. मनो वीर्यवरोत्सिक्तम् अश्रण्यकुमतो भयम् भीतान् निलिलिरे देवाच तार्क्षस्तत्रा इवाहयः. His mental and bodily strength as well as the boon conferred upon him made him proud. He feared death at the hands of no one, and there was no one checking him. The gods therefore were seized with fear at his very sight, and they hid themselves even as snakes hide themselves for the fear of Garuda. Yes. So ye jo asur hain, pehle asur hain, they are the progenitors of all the asuras. Inse pehle koi asur nahi hua hai. To ye jo asur hain, तो इनसे सभी देवता भयभीत होने लगे. ऐसे महान विशाल काय, इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति. यस, सो द डेमिगॉड्स आर स्केयर्ड एंड दे आर रनिंग फॉर देयर लाइफ, एग्जैक्टली लाइक जब गरुड़ जी को आते हुए देखकर सांप सारे, कितना भी विषैला क्यों ना हो, सांप छुप जाता है. वो जानता है गरुड़ जी जब आ गए तो खैर नहीं. श्लोक क्रमांक 23. सवै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट सेन्द्रा देवागणान् क्षिबा अपश्यन् व्यदनद्भृशम्. On not finding Indra and the other demigods who had previously been intoxicated with power, the chief of the Daitya, seeing that they had all vanished before his might, roared loudly. जब इंद्र और बाकी सभी देवताओं को न देखा हिरण्याक्ष ने, तो हिरण्याक्ष जान गया कि अरे ये तो हमसे डर करके भाग गए. तो देख करके कि अरे मेरे साथ कोई नहीं है युद्ध करने के लिए, हिरण्याक्ष भी जोर से चिल्लाने लगा. ततो निवृत्त क्रीडिष्यन् गंभीरम भीम निस्वनम विजगाहे महासत्वो वार्धिम मत्त इवाद्विपः. After returning from the heavenly kingdom, the mighty demon who was like an elephant in wrath, for the sake of sport, dived deep into the ocean which was roaring terribly. देवलोक में जाकर सबको परास्त करके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य प्राप्त करने के बाद हिरण्याक्ष फिर वापस आया धरती पर, और धरती पर आके उसने क्या किया, समुद्र में छलांग लगाई आराम करने के लिए. पिकनिक करते हैं ना आराम, तो सब जगह अभी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की क्या बोलते हैं विजय का पताका फहरा रही है, अब क्या करें, थोड़ा आराम कर लेते, चलो वेकेशन. श्लोक क्रमांक 25. तस्मिन् प्रवृष प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गण सन्निधिय ससाध्वसा अहन्यमानापि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दुत दुरतरं प्रादुर्द्रुवः. On his entering the ocean, the aquatic animals who formed the host of Varuna were stricken with fear and ran far away. Thus Hiranyaksha showed his splendor without even dealing a blow. केवल हिरण्याक्ष को अंदर देख करके वरुण जी वगैरह सभी भाग गए. बिना गदा उठाए हिरण्याक्ष ने सबको प्रयास कर दिया. श्लोक क्रमांक 26. सवर्ष पूगानुदधौ महाबल श्चरन महोर्मीश्वसने रितान्मुहु मौर्व्याभिजघ्ने गदया विभावरी मासे दिवांस्तादपुरीं प्रचेतसः. मूविंग अबाउट इन द ओशियन फॉर मेनी मेनी ईयर्स,
द माइटी हिरण्याक्ष स्मोट द जैगेंटिक विंड टॉस्ड वेव्स अगेन एंड अगेन विथ हिज आयरन मेस ही रीच्ड विभावरी द कैपिटल ऑफ वरुणा। कई बहुत सारे समय तक वह भ्रमण करते रहे समुद्र में, और जैसे हम भी बच्चे जाते हैं नहीं समुद्र में या नदी में पानी को इतस्तत उड़ाते हैं, वैसे हिरण्याक्ष भी अपनी मस्ती में मौज में पानी को इतस्तत उड़ा रहा है। उड़ाते उड़ाते वरुण देव के राजधानी विभावरी पहुंचा। श्लोक क्रमांक 27। तत्रोपलभ्य सुरलोकपालकम् यादो गणानां ऋषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रलुब्धुं प्रणिपत्य नीचव जगाद्मि देहि अधिराज संयुगम्। विभावरी इज द होम ऑफ वरुणा, लॉर्ड ऑफ एक्वेटिक क्रिएचर्स एंड गार्डियन ऑफ द लोअर रीजन्स ऑफ द यूनिवर्स, वेयर द डीमंस जनरली रिसाइड। देयर हिरण्याक्ष फेल एट वरुणास फीट like a low-born man, and to make fun of him he said, oh give me battle, oh supreme lord. Sarcastic remark. वो जानता है वरुण कुछ नहीं कर सकते, फिर भी क्या कहते चूटी काटने है ना, अरे प्लीज 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 मेरे साथ युद्ध करो, मेरे साथ युद्ध करो। श्लोक क्रमांक 28। त्वं लोकपालो अधिपति बृहत्श्रवा वीर्यापहो दुर्मद वीरमानिनां विजित्य लोके खिल दैत्य दानवान यद्राजसूयेन पुरा जयत् प्रभु। यू आर द गार्डियन ऑफ एन एंटायर स्फीयर एंड द रूलर ऑफ वाइड फेम, हैविंग क्रश्ड द माइट ऑफ एरोगेंट एंड कंसीटेड वॉरियर्स एंड हैविंग कॉन्कर्ड ऑल द दैत्यज एंड दानवाज इन द वर्ल्ड, यू वंस परफॉर्म्ड राजसूय सैक्रीफाइस टू द लॉर्ड। वो बताते अरे आप इतने महान हैं, आपने तो सबको परास्त करके राजसूय यज्ञ भी किया है, आपके अंदर कम शक्ति है क्या, कृपया मेरे साथ युद्ध कीजिए। स एव मुक्सीक्तमदेन विद्विषा दृढ़ प्रलब्धो भगवान पांबति रोषम समुत्थम शमयन स्वया धिया व्यवोच दंगोपशमं गतावयम्। Thus mocked by an enemy whose vanity knew no bounds, the worshipful lord of the waters waxed angry, but by dint of his reason he managed to curb the anger that he had sprung up in him, and he replied, O dear one, we have now desisted from warfare, having grown too old for combat. तो देखते हैं वरुण को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कंपैरिजन देख के वरुण जी अपना गुस्सा पी गए, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो गुस्सा आता है कई बार, देखिए जिंदगी केवल जोश में नहीं चलती, होश भी रखना पड़ता है। यस, केवल जोश में अगर वरुण जी हिरण्याक्ष के साथ में दो दो हाथ करते तो आज हम ये सुनने के लिए वरुण जी का नाम नहीं लेते वरुण जी होते ही नहीं कहीं, क्योंकि हिरण्याक्ष के साथ दो दो हाथ किए। सो माई इंटेलिजेंस इज फार ग्रेटर देन प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ, सो दैट्स हाउ वी सी साधुज यूज इंटेलिजेंस एंड डीमंस दे यूज स्ट्रेंथ। श्लोक क्रमांक 30। पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यः संयुगे त्वामरणमार्ग कोविदं आराधयिष्यात्यसुरर्षभिहितं मनस्विनोयं गृणते भवादृशाः। यू आर सो स्किल्ड इन वॉर दैट डू नॉट सी एनीवन एल्स बट द मोस्ट एंशियंट पर्सन लॉर्ड विष्णु हु कैन गिव सैटिस्फैक्शन इन बैटल टू यू। Therefore, O chief of the Asuras, approach him who even heroes like you mention with praise. मैं एक ही व्यक्ति को देख सकता हूँ जो तुम्हारे साथ युद्ध कर सकता है, कौन है, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का नाम तुम जैसे महान बलशाली व्यक्ति भी बहुत आदर से लेते हैं, तो उनको साधारण मत समझो, देखो वो कहाँ मिलते हैं, उनके साथ दो दो हाथ करो तो जाने।
तो वरुण जी कहते हैं आखिरी श्लोक इस अध्याय का, तम वीरमारादिभिपद्य विस्मय शशिष्यसे वीरशये श्वभिर्वृतः यस्त्वद्विदानामसतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया। वरुणा कंटिन्यूड, ऑन रीचिंग हिम यू विल बी रिड ऑफ योर प्राइड एट वंस एंड विल लाई डाउन ऑन द बैटल ऑफ ऑन द फील्ड ऑफ बैटल सराउंडेड बाई डॉग्स फॉर इटर्नल स्लीप। इट इज इन ऑर्डर टू एक्सटर्मिनेट विकेट फेलोज लाइक यू एंड टू शो हिज ग्रेस टू द वर्चुअस दैट ही अज्यूम्स हिज वेरियस इनकार्नेशंस लाइक वराह। तो अरे इतना गुरूर मत करो, उनके साथ युद्ध करने के बाद तुम भूमि पर धराशायी होकर गिर जाओगे और कुत्ते तुम्हारे शरीर को खाएंगे। हाँ, इतना अभी मत बनो। आप जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। सो विद दीज वर्ड्स प्रैक्टिकली वरुण जी कंक्लूड्स हिज स्पीच विथ हिरण्याक्ष। और आगे क्या होता है, सो द एंड द भक्तिवेदांत पर्पट्स ऑफ द थर्ड कैंटो 17th चैप्टर आज हमने खत्म कर लिया। कल से 18th चैप्टर, इट इज लाइक अ स्टोरी, सो वी आर गोइंग क्वाइट नाइस फाइन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।